तिरंगा यात्रा की आड़ में दंगा वाले बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमृत महोत्सव की आड़ में भाजपा पर राष्ट्रध्वज के अपमान का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा तिरंगा यात्रा और अमृत महोत्सव के नाम पर बड़ा खेल कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ही राष्ट्रवाद के नाम पर केवल अपना स्वार्थवाद ही पूरा करना जानते हैं। उनके लिए लोकतंत्र केवल कहने सुनने को है। अमृत महोत्सव को जनजीवन के उत्साह से जोड़ने की जगह भाजपा ही रंग देने का प्रयास देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों का अपमान है। भाजपा के इस खेल को जनता नापसंद करती है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि अमृत महोत्सव के नाम पर राष्ट्रभक्ति का उपदेश देने वाले आरएसएस भाजपा नेताओं ने चूंकि कभी राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं किया, इसलिए आज भी वे उसका अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं तिरंगा यात्रा को भाजपाइयों ने दंगा यात्रा बना दिया है, तो इटावा में भाजपा नेताओं ने दिखा दिया कि उन्हें सीधा तिरंगा पकड़ना भी नहीं आता है। स्कूल में बच्चों से, दफ्तर के कर्मचारी से झंडा खरीद के लिए वसूली की जा रही है। उत्तर प्रदेश में हर विभाग भ्रष्टाचार में संलिप्त है और पुलिस उत्पीड़न करने में लगी है। आज़ादी के 75 वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव भाजपा का दिखावा मात्र है। उन्होंने कहा कि भाजपा की दागदार सरकार में धांधली का साम्राज्य है। प्रदेश में PWD, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के तबादलों में पूरी धंधेबाजी नजर आई। जांच के नाम पर कुछ ठोस परिणाम नहीं आए। घपला घोटाला करने वाले अपनी कुर्सियों पर जमे हैं। मुख्यमंत्री रिपोर्ट मांग लेते हैं, अफसर उस पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।